गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक अच्छा अनुच्छेद लेखन के कुछ गुड पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपका अनुच्छेद लेखन परफेक्ट हो और आपको उसमें अच्छे मार्क्स आए, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। आप निबंध के बारे में जानते हो, ऐसे राइटिंग के बारे में जानते हो, तो अनुच्छेद लेखन क्या है? वो निबंध लेखन का एक संक्षिप्त रूप होता है। जब हम किसी घटना, किसी दृश्य या किसी विचार को संक्षिप्त रूप में प्रकट करते हैं, संक्षिप्त शब्दों में, कुछ ही लिमिटेड शब्दों में अपने वाक्यों को दूसरों तक, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन की एक शब्द सीमा होती है। इसमें 80 से 100 शब्दों तक एक लेख लिखना होता है, जिसमें अनावश्यक बातों के लिए स्थान नहीं होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें किसी भी बात को बार बार दोहराना नहीं होता है। अनुच्छेद लेखन में जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ सके। अनुच्छेद लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप अनुच्छेद लेखन लिखते हो तो उससे संबंधित रूपरेखा और संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। अगर आप संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लेख लिखते हो, तो उसमें अनावश्यक बातें लिखी ही नहीं जा सकती, जिससे कि आपका अनुच्छेद एक प्रभावशाली अनुच्छेद बन जाता है। दूसरा, जब भी आप अनुच्छेद लेखन लिखते हो, अगर उसमें आप सूक्तियों को, लोकोक्तियों को और कविता की लाइनों को शामिल करते हो, तो आपका अनुच्छेद एक अच्छा अनुच्छेद माना जाएगा। तो संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि निबंध का संक्षिप्त रूप अनुच्छेद लेखन कहलाता है, जिसमें शब्द सीमा होती है। उन्हीं शब्दों की सीमा के अंदर रहकर हमने अपने विचारों को स्पष्ट रूप प्रदान करना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अनुच्छेद लेखन अच्छा हो, तो उसमें आपको ये छोटी छोटी टिप्स का ध्यान में रखना होगा, जिससे आपका अनुच्छेद लेखन अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।